Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Educational, and in this video we are going to discuss about climate finance. Climate finance is the topic name. So this is 19.6, video number 19.6, chapter 19.6, sustainability under climate change, India and world is the chapter name of 19th chapter of Indian economy. So again I will say, if you have not watched my previous videos, go to the playlist. There is a playlist available on my channel, and you have to start from the scratch, from the lecture 1, and this is I think lecture number 192. So you have to watch all the videos. They are small videos, short length videos, 10-15-20 minutes type ka. ठीक है, तो जाइए देखिए, सारे videos important है. And as you know, these classes are absolutely free, कोई charge नहीं है. But if you want to contribute, there is a link in the description. I have added it recently. So if you want to contribute, at least if you recognize the efforts, so you can contribute so that I can use that fund for the betterment of this system, this channel. So you can contribute on that link. I have made it for 50 rupees. This is the bare minimum amount you can pay. This is the fixed amount. If you want to pay, you can pay, otherwise there is no issue. So let's begin. It is again a point wise padhte hain hum log. So shuru karta hu point wise. First point here, the complexity arises in the case of financing for addressing adaptation and mitigation of greenhouse gas emission. अब देखिए, बहुत सारे efforts हमने डालने शुरू किए जब global warming शुरू हुई, climate change शुरू हुआ, overall environment को damage शुरू होने लगा. ठीक है, ये सब कुछ हुआ post revolution period, post industrialization period, जो कि 1760 के ऑनवर्ड माना जाता है. यहाँ पे सारी कंट्रियों ने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर दिया. इस वजह से खूब सारा कार्बन, ग्रीन हाउस गैसेस निकले, कारखानों से, गाड़ियों से निकल रहे हैं. ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2 मेजर पार्ट, मीथेन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा. तो ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, सबसे ज़्यादा CO2 है. तो इस वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और इसको ख़त्म करने के लिए देर आर मेनी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज करके मीटिंग होती है. कई सारे मीटिंग हुई हैं. ठीक है, और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्या एक्शन होने चाहिए हमारे. जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में COP21 के बारे में बताया था, एंड इनफैक्ट इसके बाद वालों के बारे में भी बताया था, बट COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, वो वीडियो भी जरूर देखना. तो हमने मोडस ऑपरेंडी निकालना शुरू किया ग्लोबली, हमने डिस्कशन शुरू किया, पार्टीज हमने बनाई, मतलब ग्लोबली कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया इस फोरम में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया. And somehow we are on the path to have modus operandi, rules and regulations etc, everything, सब कुछ हम तैयार कर रहे हैं. लेकिन अब मान लीजिए कि इस क्लाइमेट को सही करना है, तो एडप्टेशन ज़रूरी है, मिटिगेशन ज़रूरी है. एडप्टेशन से मतलब समझिए कि क्लाइमेट चेंज में आप एडप्टेबिलिटी लाइए, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करते रहें कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि हम लोगों को नेसेसरी हो जाए एक्शन लेना. इससे अच्छा कि एडेप्ट कीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी एडेप्ट करनी चाहिए, ऐसे इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना रिलीज हो, और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज ना हो. मिटिगेशन मतलब कि ऑलरेडी जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हमारे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है उसको कैसे ख़त्म किया जाए. तो मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन इज़ ए प्रोसेस, एंड दैट रिक्वायर्स फाइनेंस, दैट रिक्वायर्स मनी. मनी मतलब फाइनेंस. ठीक है, मनी चाहिए इनको, पैसा चाहिए. ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं से फाइनेंस आना चाहिए. सो हियर बिगिंस आवर टॉपिक, क्लाइमेट फाइनेंस.
इसी वजह से, इस रिक्वायरमेंट की वजह से पैसे की क्लाइमेट फाइनेंस टर्म यूज में आता है और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एम्बेडेड इन कन्वेंशन। तो जितने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो भी कन्वेंशन हुए हैं उन सब में इस टर्म को देखा जा सकता है, क्लाइमेट फाइनेंस को। दिस टर्म इज एम्बेडेड इन द कन्वेंशन प्लस मेंशन इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो। सो इट इज ऑल्सो मेंशन इन द COP 21 मीटिंग पेरिस एग्रीमेंट जो कि पेरिस में हुआ था, यहाँ पे भी इस टर्म को काफ़ी यू नो डिस्कस किया गया था, व्हाट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंस, कैसे करेंगे। देर इज़ अ वेगनेस, ठीक है, वेगनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा है, वो वेगनेस मैं बताता हूँ क्या है वेगनेस, ठीक है। नॉन लेवल लैक ऑफ क्लियर डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखिए क्लाइमेट फाइनेंस टर्म तो आ गया, लेकिन अगेन जैसे कि पिछला वीडियो था ना ग्रीन फाइनेंस, उसको भी डिफाइन नहीं से कर पाया वर्ल्ड, अभी इंटरनेशनली एग्रीड कोई डिफिनेशन नहीं है। वैसे ही क्लाइमेट फाइनेंस में भी है, कोई इंटरनेशनली एग्रीड डिफिनेशन नहीं है। और इस वजह से होता क्या है कि अगर इंटरनेशनली एग्रीड कोई डिफिनेशन ना हो तो हर कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करती है, एंड द चांसेस ऑफ डाइवर्टिंग द फंड्स फ्रॉम अदर पर्पसेस टू द क्लाइमेट चेंज में बी मे टेक प्लेस। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, क्लियर कट डिफिनेशन ना होने का सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो बताऊँगा मैं आपको, डोंट वरी। तो OECD ने बेसिकली डेटा निकाला और बताया कि मोबिलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज हैज रीच्ड टू $62 बिलियन इन 2014। तो ये OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। बहुत ही रिच कंपनी सॉरी कंट्रियाँ यहाँ पे इसकी मेंबर्स है OECD की, इंडिया अनफॉर्चुनेटली इसका मेंबर नहीं है, बहुत सारी रिच कंट्री इसका मेंबर है, बहुत ही यू नो रिच ऑर्गेनाइजेशन है ये। यह इसने बोला है कि इसने इसका डेटा है कि मोबिलाइजेशन जो हुआ है क्लाइमेट फाइनेंस में फ्रॉम डेवलप्ड, देखिए ये क्लाइमेट फाइनेंस का जो प्रोविजन है ये एक बात समझ लो, ये अब जो फाइनेंस है क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, वो फ्लो करता है डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ, ठीक है, डेवलप्ड से, क्योंकि डेवलप्ड ऑलरेडी डेवलप्ड है, इनको यू नो ऑलरेडी दे हैव सफिशिएंट मनी विद देम, देयर फाइनेंशियल सिस्टम, देयर इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, सो दे शुड कंट्रीब्यूट सम हाउ टुवर्ड्स द कॉजेज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो फाइनेंस है क्लाइमेट से फाइट करने के लिए जो फाइनेंस आ रहा है वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये पहुंच गया है $62 बिलियन 2014 के डेटा के हिसाब से, जस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने इन अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया। अब मैं बता रहा हूँ कि ये अमाउंट आया किस किस सोर्स से, तो ये है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या हो सकती हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेंट हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IMF, ठीक है, जैसे कि ADB इज ऑल्सो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन देर आर ऑल्सो अदर बैंक्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट जिसके मेंबर हो वैसे बैंक जो उनसे पैसा है उनके थ्रू लोन के थ्रू आया है उन बैंकों से, एज वेल एज द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। मतलब ये क्या है, ये टर्म थोड़ा समझ लो, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस थोड़ा सा समझो, ज़्यादा मुझे लिखना नहीं चाहिए यहाँ पर लिखाई। एनीवे तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के वजह से क्लाइमेट फाइनेंस क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ से या फिर जो मेम्बर कंट्रीज है डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग दोनों के तरफ से दिया गया कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इन द फॉर द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको लड़ने के लिए फाइट करने के लिए जो पैसा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। ये कन्वेंशन डिसाइड करता है, कन्वेंशन ने ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डिसाइड करता है, डिसाइड किया हुआ है, और यहाँ से भी क्लाइमेट फाइनेंस हो रहा है। ये एक मेजर इशू है, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये फंड किसी और पर्पस के लिए है, इसको आप क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नहीं यूज कर सकते। ओवरऑल ये डेवलपमेंट के लिए है, इनके यू नो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो यू नो
कहीं ना कहीं हर मामले में पीछे है, तो इनको एक सपोर्ट दिया जाता है ताकि इनकी इकोनॉमी को असर ना हो और ये क्लाइमेट से भी फाइट कर सके, क्लाइमेट चेंज से भी। तो आपको बता दूँ कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो परेशान होती हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रियाँ ही होती हैं, बिकॉज इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज हो जाए तो बड़ा ही कष्ट हो जाता है। तो ये इशू है। और भी पैसा आया है जो ये वो सब प्राइवेट फाइनेंस से आया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स वगैरह से, क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर ये टोटल $62 बिलियन आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, डिक्लाइन इन एलोकेशन ऑफ ODA टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इज इक्वल टू ODA इज बीइंग डाइवर्टेड टू द क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज। नाउ दिस पॉइंट टेल्स अबाउट द प्रीवियस वन, जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो डिक्लाइन हुआ है एलोकेशन ऑफ ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो कि डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री से लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को जाता है, वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि ये डाइवर्ट हो जा रहा है इसका फंड, ODA का फंड, क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे डाइवर्ट हो जा रहा है। ये ठीक नहीं है, यही मेन कॉज है इसके क्लाइमेट फाइनेंस का, कि ये पैसा नहीं डाइवर्ट होना चाहिए, पैसा सीधा सीधा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को जाना चाहिए ताकि वो अपने मतलब अपने इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि क्लाइमेट चेंज वो आसानी से लड़ सके। They need not to pay, you know, towards climate finance. They have to, you know, utilize that money for their development so that they can mitigate the after effects of climate change and they can also take steps regarding climate change. तो ये divert नहीं होना चाहिए था, ठीक है? Next, यहाँ पे अगला point है, what needs clarification? अब देखिए definition तो एक मैं बताया कि आपको काफ़ी vague है, वेग मतलब धुंधला सा है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इसमें, इट लैक्स क्लियर डिफिनीशन। तो क्या क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्लैरिफिकेशन आना चाहिए वो देख लीजिए। सोर्सेज ऑफ फंडिंग कहाँ से होंगी ये थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए, टर्म्स ऑफ फंडिंग क्या होना चाहिए ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए, पर्पस ऑफ फंडिंग ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए। यहाँ के किस में जैसे ODA में का पैसा क्लाइमेट फाइनेंस में आ रहा था, ये भी पर्पस थोड़ा सा डिफाइन हो जाए तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इन एडिशन टू द रिसोर्स बीइंग कमिटेड डिसबर्स, ये सब क्लैरिफाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइनिंग क्लाइमेट फाइनेंस प्लस डिफाइन व्हाट, एक तो भाई डिफाइन करो कि क्लाइमेट फाइनेंस है क्या, दूसरा साथ साथ में ये भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस नहीं होंगी। देखिए यहाँ पर दो बात है, बड़े ध्यान से समझना। एक तो आप ये डिफाइन करो कि क्या है जो क्लाइमेट फाइनेंस को डिफाइन करेगा कि हाँ भाई यहाँ पैसा दिया तो दिस इज़ रियल क्लाइमेट फाइनेंस और यहाँ पे दिया जा सकता है, तो दैट नीड्स डिफिनीशन। डिफिनीशन हो जाए तो क्लियर कट यू नो गाइडलाइंस आ जाएंगे कि हाँ भाई इस डिफिनीशन में ये आ रहा है तो यहाँ पे पैसा जाएगा तो क्लाइमेट फाइनेंस होगा। और एक चीज़ और, क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जिसको काउंट नहीं किया जा सकता क्लाइमेट फाइनेंस, कहाँ ऐसा पैसा दिया जा रहा है जिसको दिया जाए जो कि क्लाइमेट फाइनेंस नहीं काउंट होगा, उसको भी डिफाइन करना जरूरी है। दोनों बातों को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, एड मनी मिंट फॉर डेवलपमेंट पर्पस शुड नॉट बी काउंटेड एज क्लाइमेट फाइनेंस। तो एड मनी क्या है, यही ODA जो है ना असिस्टेंस वाला, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस वाला जो पैसा है, दिस इज़ अ एड मनी फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड दैट शुड नॉट बी यू नो डाइवर्टेड और काउंटेड एज द क्लाइमेट फाइनेंस। इट मीन फॉर ओनली एंड ओनली डेवलपमेंट पर्पसेस ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज एंड नॉट टू बी काउंटेड एज द क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस पे आना चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू चेक फॉर द डबल काउंटिंग और ट्रीटमेंट ऑफ ODA एज अ क्लाइमेट चेंज। अगेन सेम पॉइंट है, वही पॉइंट है इसमें, डबल काउंटिंग नहीं करना चाहिए। डबल काउंटिंग का मतलब ये समझो कि ODA में भी काउंट कर रहे हैं उसको प्लस क्लाइमेट फाइनेंस में भी काउंट कर रहे हैं, तो कैसे होगा? एक पैसा एक ही चीज़ में काउंट कर सकते हो ना, ODA का ही पैसा क्लाइमेट फाइनेंस में दे देते हो और उसको काउंट कर रहे हो ये ODA का भी है और क्लाइमेट फाइनेंस का भी हो गया, ऐसा नहीं होता ना। एक रुपया है आपके पास, वो मान लो यहाँ पे राम है और मैं अपने किसी स्टूडेंट का नाम देता हूँ, राम है और सपोज प्रजापति है, ठीक है, आजकल बहुत कमेंट करती हैं, तो सपोज राम और प्रजापति हैं, तो एक रुपया है ये
तो 1 रुपया अगर मैं राम को दे दूँ तो भाई ये राम को ही जाएगा, इसको तोड़ के तो ऐसा नहीं कर सकते ना, 1 रुपया राम को भी दे दूंगा, 1 रुपया प्रजापति को भी दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब जो ODA का पैसा है वो ODA में ही यूज़ करो, इसको ODA में काउंट कर लो और फिर यहाँ दे के यहाँ भी काउंट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, डबल काउंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैकिंग एडप्टेशन, ट्रैकिंग एडप्टेशन फाइनेंस एंड सेग्रीगेटिंग इट फ्रॉम डेवलपमेंट फंड एज ए होल। तो अगेन मतलब आपने पैसा जो दे दिया क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, वो चाहे मतलब एडप्टेशन के लिए ही क्यों ना हो, यहाँ पे मैंने बताया था कि एडप्टेशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है। सपोज अगर एडप्टेशन के लिए फाइनेंस कर दिया तो इसको सेग्रीगेट करना चाहिए, इसको अलग रखिए डेवलपमेंट फंड से। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट फंड में काउंट कर लें, लेकिन यही वाला पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एडप्टेशन एक वर्ड आ गया, तो आप समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज में दो बातें हैं, एडप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो दोनों मतलब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक तो कि आप ODA को डबल काउंट नहीं कर सकते, दूसरा कि एडप्टेशन फाइनेंस हुआ है उसको भी आप सेग्रीगेट कीजिए डेवलपमेंट फंड से। ठीक है, उसको भी आप ऐसा नहीं काउंट कर सकते कि ये डेवलपमेंट फंड का था और इसलिए हमने इसको डाइवर्ट कर दिया एडप्टेशन फाइनेंस के लिए। नहीं, ODA का एक ही पर्पस है, वो है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसका यही पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि एक ग्लोबल क्लाइमेट फंड एक टर्म है, फंड क्या है, एक फंड है, कॉर्पस है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ग्लोबली क्या है। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट फंड सबसे पहले तो ये किन फॉर्म्स में हो सकता है, किन तरीकों में हो सकता है, किन फॉर्म्स में हो सकता है। तो इट कैन ईदर बी मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब एक इंडिया है, चाइना है, USA है, कई सारी कंट्रियाँ हैं मल्टीलेटरल, बहुत सारी कंट्रियाँ मिलकर एक फ़ंड बना रही हैं ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो वो ग्लोबल क्लाइमेट फंड हो जाएगा। दूसरा बाईलेटरल भी हो सकता है, उसको भी आपको ग्लोबल ही काउंट करना है, बाईलेटरल मतलब इंडिया ने और सपोज USA ने मिलकर एक फ़ंड बना लिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जनरली ऐसा होगा नहीं मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, सपोज इंडिया ने और किसी और कंट्री को ले लीजिए, मलेशिया ने बना लिया, इंडिया ने और सपोज थोड़ा इसके बराबर रसिया ने बना लिया, ऐसे तो ऐसी कंट्री जो दो लोग बनाएंगे तो उसको भी आपको ग्लोबल क्लाइमेट फंड ही काउंट करना है। ऐसा नहीं कि भाई दो ही कंट्री हैं तो ग्लोबल नहीं है, ऐसा नहीं है, मल्टीलेटरल हो सकता है, ग्लोबल बाईलेटरल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, एंड मे फर्दर बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ फोकस ऑल्सो। तो ये एक तो ये बायलेटरल हो सकता है, मल्टीलेटरल हो सकता है, किस फॉर्म में यहाँ पे हो गया, और दूसरा एरिया वाइज भी हो सकता है, जैसे कि मिटिगेशन के लिए है कोई, मिटिगेशन मतलब कि ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको ख़त्म करना है, तो मिटिगेशन हो गया। एडप्टेशन मतलब आपको अपने कंट्री को एडप्टेबिलिटी लानी है, कंट्री में एडप्ट करना है क्लाइमेट को, कैसे आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलें और क्लाइमेट को कम करें, एडप्टेशन हो गया। REDD भी होता है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD प्लस भी है, ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी पढ़ोगे, डोंट वरी। तो ये एक बेसिकली REDD एक इनिशिएटिव है जिसमें टारगेट ये रखा है पार्टिसिपेंट्स ने, मेंबर्स ने, कंट्रीज हैं देश विदेश की, इसके इन्होंने रेट बनाया हुआ है, इन्होंने टारगेट किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको उसके वजह से जो इमिशन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट हमेशा CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होगा तो CO2 का लेवल कम हो जाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी CO2 का, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जनरल टर्म में कहें तो उनका मात्रा बढ़ रहा है। तो इसमें बात यही कही जा रही है कि रिड्यूस करेंगे हम लोग इमिशन को फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फंड है, ये एक बेसिकली पार्ट है ग्लोबल क्लाइमेट फंड का, और ये तो ग्लोबल क्लाइमेट फंड को हमने समझा, अब एक एक करके फंड के बारे में जानते हैं, कितने ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स हैं, सब तो नहीं जान पाएंगे लेकिन लार्जेस्ट जो है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत फेमस जो फंड्स हैं और इनके बारे में बराबर न्यूज़ वगैरह आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC पर्सपेक्टिव से। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड हमेशा याद रखिए कि जो ग्लोबली जो फंड अवेलेबल है क्लाइमेट पर्पस के लिए,
उनसे लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज वगैरह से, तो वो है सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट ग्रीन क्लाइमेट फंड है, GCF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका जो कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब टोटल पैसा, $10.2 बिलियन, ठीक है, बहुत बड़ा कॉर्पस, सबसे बड़ा है ये। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड लार्जेस्ट है वो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, $5.3 बिलियन। एक डेटा आपको याद रखना है, GCF के बारे में जानते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC इन 2011। तो इट वॉज इस्टेब्लिश, एक्चुअली यहाँ पे इस्टेब्लिश लगा लो, ये इस्टेब्लिश हुआ था एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज वगैरह से लड़ने के लिए कन्वेंशन है, और इसको चाहिए भाई पैसा, तो इसको चाहिए एक मैकेनिज्म जो फाइनेंस ड्राइव करे, तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो है GCF। GCF इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म एंड इट वॉज इस्टेब्लिश फॉर द यू नो एज एंटिटी फॉर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ UNFCCC फाइनेंशियल नीड। तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, और इसको 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इनफैक्ट, डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये इसमें जो पैसा आता है, इसमें पैसा ऐसे फ्लो करता है, डेवलप्ड कंट्रियाँ पे करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कॉज के लिए, इनके बेसिकली पर्पस के लिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज इन पैसे से, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से आए, इससे क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सके, लड़ सके उससे। नेक्स्ट जो है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले तो जान लो कि टोटल कॉर्पस कितना है, टोटल कॉर्पस $10.2 बिलियन है, यहाँ पे भी मैंने बताया था। इसमें टोटल 38 गवर्नमेंट है, 38 पार्टिसिपेंट हो गई, इसका मतलब कि 38 सरकारें हैं जिन्होंने टोटल ये पैसा कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है वो आया है $3 बिलियन USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है जापान, जापान ने कंट्रीब्यूट किया है $1.5 बिलियन, ठीक है, जापान दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है। देख लो जापान कैसी कंट्री है, मैंने बताया था ना कि रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत कम है, मतलब इनका लैंड ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर आज यहाँ पे धान लगा दिया कल गेहूँ लगा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है एज फार एज द प्राकृतिक आपदा जो कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स खूब होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ही मेहनती हैं, इनफैक्ट सरकार बहुत अवेयर है और इनके अपने लोगों पे, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खूब सारा खर्च करती है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, घर देती है, सब कुछ मिलता है। तो लोग डेफिनेटली खुश हैं, खुशहाल हैं, तो काम भी करते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स इनको ड्राइव करता है, इनको मेजर इकोनॉमी बनाता है। हमारे यहाँ क्या है कि लोगों को छोड़ो, जापान $1.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है द यूके, यूके ने कंट्रीब्यूट किया $1.2 बिलियन, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, फ्रांस ने ये डेटा देख लो, जर्मनी ने भी $1 बिलियन के आसपास, तो ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट, मोबिलाइजेशन पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2015 to 2018। तो ये जो इनिशियल मोबिलाइजेशन मतलब पैसा का मोबिलाइजेशन, मतलब कि इकट्ठा करना, पैसे को मोबिलाइज करना, एक जगह लाना, ये इनिशियल पीरियड है 2015 से 2018 का, GCF की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 11th GCM बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग होती रहती है GCF की, GCF स्टैंड्स फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इसकी बोर्ड मीटिंग होती रहती है। तो 11वां बोर्ड मीटिंग इसका हुआ November 2015 में, और यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि 8 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, वहाँ पे $168 मिलियन खर्च होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रही है, बस मैंने मेंशन कर दिया है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जनरल सा एक व्यू होना चाहिए। आप देखो बहुत ही अंदर से घुस के कोई पूछता नहीं है, ठीक है, तो जनरल पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आप क्या है कि इन्फ्रेंस निकालते हो बहुत आसानी से क्वेश्चन से, UPSC के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, क्वेश्चन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिए, फिर उनसे पूछेगा 2 सही है, 1 सही है, ओनली 3 सही है, 3 सही है, 3 गलत है, ऐसे। तो आप ये पता रहे कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये मीटिंग हुई थी 2015 में और
एट प्रोजेक्ट्स में 168 मिलियन गया था पैसा, तो आप बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस निकाल लोगे। अब आठ प्रोजेक्ट में लिख दूँ यहाँ पे, आपको याद तो रहने वाला है नहीं, और इतना घुस के कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है आपसे। तो भाई मैं समझता हूँ कि कहाँ से क्या आना है और उसके हिसाब से ही ये नोट्स तैयार करता हूँ सबसे पहली बार। तो चिंता करने का नहीं है, इकोनॉमिक्स में तो आपको ऐसा बना दूंगा कि कोशिश करूँगा। इनफैक्ट मैं वैसा कुछ नहीं कह सकता कि, लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको भरपूर फायदा मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं GEF क्या है। इसको कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट सॉरी फैसिलिटी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसका जो पर्पस है, इसी पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके। ठीक है, इसमें है क्या भाई, तो ये एक प्रोजेक्ट साइकिल है, ये साइकिल की तरह चलता है। इसमें कुछ साल तक ये पीरियड रहता है, जैसे कि अभी जो प्रेजेंट साइकिल है, प्रेजेंट तो नहीं, अभी 2018 से आगे आ गया है नेक्स्ट साइकिल, लेकिन अभी पिछला ही हम लोग काउंट करेंगे, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी सिक्स साइकिल था, जिसका पीरियड था 2014 से 2018। और मतलब इससे पहले के GEF 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, साइकिल समझ रहे हो ना, कि मतलब ये कुछ एक रेंज ऑफ ईयर में काम करता है, साइकिल में काम करता है, प्रोजेक्ट इसका साइकिल में काम करता है। ठीक है, 1992 में व्हेन द बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन अकर्ड एट रियो डी जेनेरियो, तो ये मतलब यहाँ पे इसी GEF के द्वारा ही, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा ही 1992 में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो, जिसको अर्थ कन्वेंशन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं, ये भी हुआ था इसी फैसिलिटी के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही है बेसिकली ये फंड फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो साइकिल है प्रोजेक्ट, ये इन कंट्रीज़ को ज़बरदस्त हेल्प मिलता है यहाँ से। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपिंग कंट्री के लिए। इसका जो इसमें अभी टोटल इन्वेस्टेड पैसा है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो 14.5 बिलियन डॉलर का है। इसने किया है बेसिकली, इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने किया है अब तक जो जितने प्रोजेक्ट्स में खर्च किया, इसने US डॉलर 14.5 बिलियन का किया है। 3946 प्रोजेक्ट्स में 167 कंट्रीज़ में, तो देख लीजिए कितना बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। 14.5 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी इसने कर दिया इन्वेस्ट, और टोटल लगभग 4000 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं, 167 कंट्रियाँ हैं जहाँ पे इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चलते हैं अभी तक इन्होंने काम किया है। तो ये दो बातें याद रखना, एक तो GCF याद रखना, GEF याद रखना, ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंस को थोड़ा समझ लेना कि ODF की वजह से क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट फाइनेंस का थोड़ा इशू है, एंड पैसा कैसे आना है उसी को क्लाइमेट फाइनेंस करते हैं। बहुत कुछ नहीं है, बहुत ईजी लेसन है ये सब। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मार दो हिट बटन पे, और क्या, और दोस्तों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ यार, यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या बोल, बस थैंक यू, बाय।